हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के बीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रैक्टिस सेट की। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल फंक्शंस आर। जो फाइनेंस के जो फंक्शंस होते हैं वो क्या कौन कौन से होते हैं आपको बताना है। ऑप्शन है प्लानिंग फॉर फंड्स, रेजिंग ऑफ फंड्स, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर आप ईजिली बता सकते हैं। जब हम फाइनेंस की बात करते हैं तो उसमें प्लानिंग भी आती है, फंड को कहाँ से रेज करना है ये भी आएगा, और साथ ही साथ हम उनका एलोकेशन किस किस जगह कर सकते हैं अपने बेटर यूटिलाइजेशन के लिए, ये भी सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, फाइनेंस फंक्शन, फाइनेंशियल रिसोर्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें हम परफॉर्मेंस को मेजरमेंट का भी काम करते हैं, फाइनेंस फंक्शन की भी बात करते हैं कि हम फंक्शंस किस तरह से परफॉर्म करेंगे इसका मैनेजमेंट करना, और साथ ही साथ जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनका बेटर यूटिलाइजेशन किस तरह से हो, इन सारी चीज़ों को मैनेज करना हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम होता है। इसलिए इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस किस का पार्ट है। अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए इसका यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा बिजनेस मैनेजमेंट का पार्ट। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा बिजनेस मैनेजमेंट में आता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच इज़ द लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ट्रेडिशनल अप्रोच के लिमिटेशंस बताने हैं। मोर इम्फोसिस ऑन लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स, वन साइडेड अप्रोच, इग्नोरेंस, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए यहाँ पे इग्नोरेंस की बात की जा रही है या फिर हम बात करें लिमिटेशंस की, तो लिमिटेशन में सारी लिमिटेशंस ही ट्रेडिशनल अप्रोच में आती हैं कि लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा इम्फोसिस करते थे और ये वन साइडेड अप्रोच होती थी, इग्नोरेंस होता था कि हम ये इस तरह से मैनेज नहीं करते थे कि हमें एलोकेशन किस तरह से करना चाहिए, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती थी। इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी लिमिटेशंस कह सकते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच का पार्ट है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर इंक्लूड्स। अब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजर का जो रोल होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंशियल एनालिसिस, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है रोल की, तो रोल में देखिए इन्वेस्टिंग ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन ये भी इसके अंदर आता है। वो इन्वेस्ट करता है सारे, पहले वो सारे सोर्सेज को इन्वेस्टिगेट करता है कि कौन सा सोर्स उसके लिए बेटर है, किस में इंटरेस्ट कम देनी है, कहाँ से वो अच्छे से यानी कम रेट पर अपने फाइनेंस को जनरेट कर सकता है, रिस्क कर सकता है। फिर उसके बाद डिसीजन लिए जाते हैं कि इनको कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना है। फाइनेंशियल एनालिसिस में ये पूरी प्रोसेस हमारी आती है, इसलिए ऑल ऑफ दी हमारा ऑल ऑफ दी अबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइनेंशियल मैनेजर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन। अब जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो किस तरह का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लिक्विडेशन डिसीजन, रिकंस्ट्रक्शन, अमलगमेशन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो फाइनेंशियल मैनेजर मैनेजर की बात करें तो देखिए फाइनेंशियल मैनेजर में यहाँ पर हमें वो लिक्विडेशन डिसीजन भी देखेगा, रिकंस्ट्रक्शन भी देखेगा और अमलगमेशन भी देखेगा। यानी ये सारी ही चीज़ें ओवरऑल उसको चेक करनी होंगी कि रिकंस्ट्रक्शन को ज़्यादा बेनिफिट होगा, लिक्विडेशन करने से ज़्यादा बेनिफिट होगा या फिर अमलगमेशन करने से उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा। सारे टर्म्स एंड कंडीशन वो चेक करेगा, उसके साथ साथ उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स देखेगा कि किस में बेनिफिट ज़्यादा है, किस में लिमिटेशंस हमारी ज़्यादा निकल कर आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें ही उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल इन सब चीज़ों में वो प्ले करता है। तो ऑप्शन डी अगेन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है विच इज़ द इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। जो फाइनेंस है उसका इंटरनल सोर्स क्या है। ऑप्शन वन है आउटस्टैंडिंग पेमेंट, सेकेंड ऑप्शन है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, डेप्रिसिएशन फंड्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है इंटरनल सोर्स की, तो देखिए आउटस्टैंडिंग पेमेंट ये भी इंटरनल सोर्स का पार्ट है।
प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये भी इंटरनल फाइनेंस का पार्ट है, डेप्रिशिएशन भी इंटरनल का पार्ट है, यानी ये सारी चीज़ें हमारे बिजनेस से रिलेटेड हैं जो कि बिजनेस के अंदर वर्क करती हैं उनसे रिलेटेड हैं। इसमें बाहर की जो पार्टी होती है हमारी रेस्ट पार्टी उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है, तो ये इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब इसमें से एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन सा है हमें ये बताना है, लेटर ऑफ क्रेडिट, फाइनेंस फ्रॉम कंपनीज, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए लेटर ऑफ क्रेडिट भी हमारा एक्सटर्नल है, लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक से लिया जाता है, फाइनेंस फ्रॉम कंपनी डिफरेंट कंपनी से फाइनेंस जनरेट करना, एडवांस फ्रॉम कस्टमर किसी भी कस्टमर से एडवांस लेना एज अ लोन, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारी एक्सटर्नल पार्टी को बता रही हैं, इसलिए ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फंक्शन ऑफ ट्रेजरर। अब ट्रेजरर का क्या फंक्शन होता है आपको ये बताना है, मैनेजमेंट ऑफ पेंशन, मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिट, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए ट्रेजरर जो होता है वो हमारे मनी से कंसर्न होता है, ठीक है, मनी का सारा लेन देन उसके हाथ में होता है, किस तरह से क्या काम करना है। तो देखिए मैनेजमेंट ऑफ पेंशन, जो पेंशन दी जा रही है उसको किस तरह से मैनेजमेंट किया जा रहा है, किस हिसाब से पेंशन देनी है, कब देनी है, ये सारा काम ट्रेजरर का है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिट, जो भी क्रेडिट है उसको मैनेज करके चलना भी ट्रेजरर का काम है। तो ट्रेजरर के ये दोनों ही फंक्शंस हैं, इसलिए ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द। अब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो हमारा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कंट्रोलिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग परफॉर्मेंस, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स, या फिर फाइनेंशियल फंक्शंस ऑफ द फर्म। अब यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ रही है, तो आप ऑप्शंस पढ़ के खुद पता लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे कंट्रोलिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं, ये मैनेजमेंट का पार्ट है, फाइनेंस मैनेजमेंट नहीं बोल सकते, ये मैनेजमेंट का पार्ट है। ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये भी मैनेजमेंट का पार्ट है। रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, ये भी मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है। मतलब ओवरऑल ये मैनेजमेंट के पार्ट को बता रहे हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट नहीं बता रहे, जबकि यहाँ पे फाइनेंस की बात की जा रही है, तो ये फाइनेंस मैनेजमेंट का पार्ट है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल एप फंक्शंस टू द फाइनेंस फंक्शन, एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट प्लान इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, या फिर एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम, या फिर आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो देखिए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्या होती है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग हमारी क्या कहलाती है, बुक कीपिंग कहलाती है। एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम, ये हमारे कॉस्टिंग अकाउंटिंग का पार्ट है। एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट प्लान इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये भी हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात की जा रही है, तो देखो फाइनेंस मैनेजमेंट में फाइनेंस से कंसर्न है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेबैक रेसिप्रोकल मेथड ऑफ रैंकिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन। अब जो पेबैक रेसिप्रोकल मेथड जो है रैंकिंग इन्वेस्टमेंट करने के, उसमें हम क्या यूज होगा, जब मतलब ऐसी कौन सी कंडीशंस होंगी वो हमें बतानी है। एनुअल सेविंग्स आर इवन फॉर द एंटायर पीरियड। अब जो एनुअल सेविंग्स हैं वो हमारी इवन है एंटायर पीरियड के लिए, या फिर द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज एट लीस्ट ट्वाइस ऑफ द पेबैक पीरियड, यानी कि जो इकोनॉमिक लाइफ है हमारे प्रोजेक्ट लिए वो हमारे पेबैक पीरियड में एटलीस्ट ट्वाइस हो पेबैक पीरियड के अकॉर्डिंग, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों ही कंडीशंस हमारे लिए ठीक है। हम रेसिप्रोकल मेथड जो है रैंकिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल का, वो हम यूज़ करेंगे जब हमारी जो एनुअल सेविंग्स हैं वो इवन होंगी एंटायर पीरियड के लिए, और जो हमारा इकोनॉमिक लाइफ जो है किसी भी प्रोजेक्ट की वो पेबैक पीरियड से ट्वाइस में निकल कर आएगी, यानी कि जब आप सॉल्यूशन निकालेंगे तब वहाँ पे जो हमारा पेबैक पीरियड होगा उससे हमारी इकोनॉमिक लाइफ ट्वाइस होगी, यानी कि डबल होगी, तब इस कंडीशंस में हम अपना पेबैक रेसिप्रोकल मेथड ऑफ रैंकिंग इन्वेस्टमेंट हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द मेरिट्स और एडवांटेज ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। अब आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड पढ़ा होगा, तो उसमें आपको बताना है कि आप इसके क्या एडवांटेज या मेरिट होती हैं। दिस मेथड कंसिस्ट द एंटायर इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि ये जो मेथड होता है ये कंसिडर करता है, बताता है पूरी प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक लाइफ को, या फिर इट टेक्स इनटू अकाउंट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि ये जो भी मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी होती है
उसके ऑब्जेक्टिव को बताता है। इट मेथड्स कैन बी अप्लाइड वेयर कैश इनफ्लोज आर इवन, जब हमारा कैश इनफ्लोज इवन होता है ये वहाँ यूज किया जाता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू मेथड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, ये हमारी इकोनॉमिक लाइफ को बताता है, ये बात तो बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन सही है हमारा। फिर है इट टेकन इनटू अकाउंट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी, जहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जा रही है वहाँ यूज होगा, ये भी बिल्कुल सही है। फिर है दिस मेथड कैन बी अप्लाइड वेयर कैश इनफ्लोज आर इवन, ये भी बिल्कुल सही बात है कि जहाँ पे हमारा कैश इनफ्लोज इवन होता है वहाँ पे इसको मेथड को यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। विच इज द टाइप ऑफ लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स आपको उन्हें लिवरेज पढ़े होंगे तो आपको पता होगा तीन तरह के लिवरेज होते हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर और ये दो दे रखे हैं, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है विच फैक्टर डिटरमाइंस कैपिटल स्ट्रक्चर, अब कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा फैक्टर हमें डिटरमाइन करता है ये बताना है, रिस्क, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो आपने कैपिटल स्ट्रक्चर भी बनाया हो, कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा किस तरह से बनाया जाता है, डेट और इक्विटी के बेसिस पे बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर हमारे किस फैक्टर को डिटरमाइन करता है, तो देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर में सबसे पहले रिस्क फैक्टर को कंसिडर किया जाता है, हम ये देखते हैं कि हमारा रिस्क फैक्टर किस में है, हम उस पर ज़्यादा रिलाई नहीं करते हैं। जैसे कि हमने मैंने आपको बताया डेट एंड इक्विटी होती है, तो अगर इक्विटी में हमारा अमाउंट ज़्यादा निकल कर आ रहा है, हम हमारा उसमें ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो हम वो पोर्शन ना लेकर हम अपने डेट पोर्शन को बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर हमें लगता है कि डेट पोर्शन हमारे लिए यहाँ पे ज़्यादा महंगा पड़ेगा तो हम इक्विटी पोर्शन अपना इंक्रीज कर देते हैं। तो डेट और इक्विटी के बेसिस पर कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है। तो रिस्क फैक्टर इंक्लूड करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम चेक करते हैं, और साथ साथ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को भी चेक करते हैं। इसलिए ये सारे फैक्टर्स हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरह का है, और इसलिए ऑप्शन डी हमारा ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, अब कैपिटल स्ट्रक्चर के कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं वो देखने हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी, कंट्रोल, टैक्स, रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करें तो वैसे तो ये सारे ही फैक्टर्स हमें कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा वो है हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी में कुछ इस तरह के टर्म्स हैं कि हमारा जो डेट है वो पोर्शन पे हमें ज़्यादा इंटरेस्ट देना है, या फिर इक्विटी है उसमें हमें ज़्यादा इंटरेस्ट देना है, तो उसके बेसिस पर ये सारी चीज़ें वेरी कर जाती हैं। तो सबसे पहले हमें गवर्नमेंट पॉलिसी देखनी पड़ती है, उसके बाद हम कंट्रोल देखते हैं किस तरह का है, क्योंकि ये इंटरनल है, टैक्स देखते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स देखते हैं, ये अदर फैक्टर्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इफ द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज मोर देन, अब हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट हो रहा है जब हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है मोर देन कितनी होती है, ये बतानी है हमें। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें तो 1, 0, 3 या फिर 5, तो हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है जब हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो हमारे यहाँ पर 1 निकल कर आती है, मोर देन 1। अगर एक से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होगा तो वहाँ पे जो भी प्रपोजल हम जिसके बेसिस पर ये इंडेक्स निकाल रहे हैं वो हमारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रपोजल इज रिजेक्टेड इन केस द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, अब आप इसके बेसिस पर भी इसका आंसर दे सकते हैं, बहुत सिंपल है, लेस देन 1। ठीक है, एक से ज़्यादा है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, एक से कम है तो हम उसको क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है विच इज़ अ अप्रोच ऑफ वैल्यूएशन, अब आपको वैल्यूएशन अप्रोच बतानी है कौन कौन सी होती हैं, असेट बिड्स अप्रोच टू वैल्यूएशन, अर्निंग बेस्ड अप्रोच टू वैल्यूएशन, मार्केट वैल्यू बेस्ड अप्रोच टू वैल्यूएशन, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे वैल्यूएशन के बेसिस पे बात करें तो देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखिए ये सारी ही अप्रोच हमारी वैल्यूएशन का होती है, असेट के बेसिस पर वैल्यूएशन करना, अर्निंग के बेसिस पर, या फिर मार्केट के बेसिस पर। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टोटल असेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज इक्वल टू, तो ये फॉर्मूला आपको बताना है, आपने कुछ कॉमन जो हमारे रेशियोज होते हैं उनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर बताइए टोटल असेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हमारा किसका फॉर्मूला है,
ऑप्शन है नेट असेट्स, नेट कॉस्ट, नेट लायबिलिटी या फिर नेट डेप्रिसिएशन। तो देखिए डेप्रिसिएशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा हमने अगर हम बात करें तो कंटेंट ऐसा नहीं लिया जो हमारे डेप्रिसिएशन को बताए, ना ही कॉस्ट का है ना ही लायबिलिटीज का है। टोटल असेट्स हमने लिया है यानी कि हमें नेट असेट्स की बात करेगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अरेंजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड करंट असेट्स कैन बी डन ओनली बाय। अब जो हमारा वर्किंग कैपिटल का जो अरेंजमेंट है और जो करंट असेट्स का है वो हमारे किसके द्वारा पूरा होता है, शॉर्ट टर्म सोर्स के द्वारा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल या फिर फाइनेंशियल प्लान के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि देखिए वर्किंग कैपिटल भी हमारा शॉर्ट टर्म का पार्ट है, करंट असेट्स भी है ये हमारा शॉर्ट टर्म का पार्ट है। इसकी जगह अगर हमारे करंट असेट्स की जगह फिक्स असेट्स होती तो ये हमारा लॉन्ग टर्म का पार्ट हो जाता, लेकिन फिर भी वर्किंग कैपिटल दे रखा है, वर्किंग कैपिटल हमारा हमेशा शॉर्ट टर्म पार्ट को बताता है, तो शॉर्ट टर्म सोर्स के का ये हमारा पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज, अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है। ऑप्शन वन है इट इज इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक इफिशियंसी, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, मेजरमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ बिजनेस डिसीजन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये हमारी इकोनॉमिक इफिशियंसी का इंडिकेटर होता है। यस, इसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि हमारे इकोनॉमिक इफिशियंसी किस तरह से जा रही है। अगर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इंक्रीज होगा तो हमारी इकोनॉमिक इफिशियंसी भी इंक्रीज हो जाएगी, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिजनेस। यस, ये सब लोग बोलते हैं कि सर्विस मोटिव होना चाहिए, सर्विस मोटिव होना चाहिए, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स ये जो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है ये मोस्ट सभी कंपनियां ये अपना बिजनेस करती हैं प्रॉफिट के लिए, तो वो ये देखती हैं कि उनका प्रॉफिट कितना हो रहा है, वो इस तरह की प्लानिंग करते हैं, इस तरह के प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रॉफिट हो, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, ये भी सही है। फिर है मेजरमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ बिजनेस डिसीजन। अब जो बिजनेस डिसीजंस होते हैं वो सारे इसके थ्रू मेजर किए जाते हैं, यानी बिजनेस डिसीजन की सक्सेस, यानी कि किसी भी कंपनी ने कोई भी नया प्लान लॉन्च किया था जिसके बेसिस पर उसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, कोई प्रोजेक्ट उसने किया था, कोई एडवर्टीजमेंट करवाया था, तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि मैंने जो एडवर्टीजमेंट करवाया था वो हमारा सक्सेस रहा क्योंकि प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो गया, या फिर हमने जो न्यू जो भी हमने पॉलिसी अडॉप्ट की थी, जो भी न्यू प्लान बनाए थे वो हमारे सक्सेस रहे क्योंकि हमें प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, तो ये भी हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द इक्विटी शेयर होल्डर परचेजेस द शेयर्स ऑफ द कंपनी एट मोर देन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स देन द डैश इज कैलकुलेटेड। यानी कि कोई इक्विटी शेयर होल्डर है उसने परचेज किए हैं कंपनी के शेयर्स को और वो जो परचेज किए हैं शेयर्स वो फेस वैल्यू से ज़्यादा के हैं, तब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डिविडेंड यील्ड रेशियो, इर्निंग यील्ड रेशियो, पे आउट रेशियो या फिर डेट इक्विटी रेशियो। तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वहाँ पर हम अर्निंग यील्ड रेशियो चेक करेंगे कि हमारी कितनी अर्निंग हुई, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन फंड्स इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू। अब जो डेप्रिसिएशन फंड की जो कॉस्ट है वो किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, फ्लो अकाउंटिंग थ्योरी या फिर रिजर्व थ्योरी। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन फंड्स के कॉस्ट की बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो डेप्रिसिएशन फंड की जो कॉस्ट है वो हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी के बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ कैश इनफ्लोस आर नॉट यूनिफॉर्म द कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड टेक्स अ। यानी कि जो हमारे कैश इनफ्लोज जो होते हैं वो हमारा यूनिफॉर्म नहीं होता यानी अनइवन होता है, द कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड टेक्स अ। तो कैलकुलेशन जो होती है पे बैक पीरियड की वो क्या लेती है, कॉमन प्रॉफिट को, फेवरेबल पोजिशन, क्यूमलेटिव फॉर्म या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वो हमारे क्यूमलेटिव फॉर्म को लेती है क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है, अनइवन है, तो उसको क्यूमलेटिव प्रोसेस से उसको चेक करना पड़ेगा पे बैक पीरियड को, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। अब आता है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग इज, अब कैपिटल बजटिंग क्या है, रिलेटेड टू लॉन्ग टाइम है, अ प्रॉफिट है, रिलेटेड टू शॉर्ट टाइम है या फिर सेल्स है। तो कैपिटल बजटिंग की यहाँ पर बात करें तो कैपिटल बजटिंग हमारा लॉन्ग टाइम के लिए होता है, ठीक है, ये हमारी फ्यूचर के लिए हम बना के रखते हैं बजट, जैसे कि आपको पता है बजट किसके लिए होता है, फ्यूचर के लिए होता है, तो ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है कैपिटल बजटिंग एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन सेंस, यानी जो कैपिटल बजटिंग है वो हमारी एक्चुअली किस चीज की प्रोसेसिंग बताती है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, सेल्स प्लानिंग की, प्रोडक्शन प्रोसेस एंड स्टाइल की, फिक्स्ड असेट्स की या फिर करंट असेट्स की। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा, जो कैपिटल बजटिंग होती है वो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेती है हमारे फिक्स्ड असेट्स के बेसिस पर, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। आपके टोटल कितने क्वेश्चंस ठीक हुए प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।